हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू आवर चैनल रुद्रा प्रोडक्शंस। आज है हमारे साथ मोहित और मुस्कान। हेलो हेलो। और आज हम बात करेंगे ब्रेकअप के बाद जो डिप्रेशन होता है उसको ओवरकम कैसे किया जाए, क्योंकि ये बहुत ही मतलब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज का। कॉमन है यंगस्टर्स में, एक बहुत ही कॉमन चीज़ है ब्रेकअप के बाद डिप्रेशन होना। तो मोहित, आपका कभी ब्रेकअप हुआ है? हाँ, मेरा ब्रेकअप हुआ है। मेरी कुछ टाइम पहले गर्लफ्रेंड थी जिसे मैं बहुत प्यार करता था। जो पहला प्यार होता है वो होता ही ऐसा है कि हम उसके लिए बहुत पागल हो जाते हैं। मेरी उससे फ्रेंडशिप हुई थी फेसबुक के थ्रू, और उससे मेरी बातें स्टार्टिंग हुई, बातें स्टार्ट हुई, फिर मैं उससे मिला। बहुत अच्छा लगता था। जब तक उससे पूरे दिन बात नहीं होती थी तब तक शांति से नहीं रहता था। बात हो जाती थी, तसल्ली मिल जाता था मुझे, बहुत खुश था मैं। ऐसा लगता था कि लाइफ में कोई है केयर करने वाला, अपने बारे में सोचने वाला। मतलब वो चीज़ मिले नई नई थी, तो मिले बहुत अलग चीज़ थी। फिर होता क्या है कि सब कुछ ठीक चल रहा होता है, एक डेढ़ साल तक ठीक चलता है। जहाँ दूसरा साल पूरा होता है थोड़ी लड़ाई झगड़ा होने लगता है, हमारी चिड़चिड़ापन हो जाता है। फिर क्या होता है कि एक फंक्शन था, तो उसमें वो जा रही थी, तो मैंने उसको मना किया कि मत जाओ तुम रात के टाइम। अच्छा, रात हो रही है, हाँ अक्सर घर वाले कैसे यार, थोड़ा तो केयरिंग नेचर। मैं तो लड़का हूँ, फिर भी मेरे घर वाले अलाउड नहीं करते कि रात को कहीं नहीं रुकना, तुम तो रात को जा रही हो। तो फिर मुझे मेरी बात ना मान के वो चली गई। तो मैं उसको फ़ोन कर रहा हूँ तो मेरे फ़ोन नहीं उठा रही है। व्हाट्सएप पे कॉल कर रहा हूँ तो शायद मैं व्हाट्सएप पे उसकी डीपी शो नहीं हो रखी थी। अच्छा, डीपी शो नहीं हो रही थी, मतलब कि ऐसा कुछ, या तो उसने डीपी हटा रखी थी या फिर तुम्हें ब्लॉक कर दिया था। उसने मुझे ब्लॉक कर दिया था। ओ, तो जैसे ही रात हुआ और मैंने देखा कि यार डीपी शो नहीं हो रही उसकी, दिमाग ख़राब हो गया, मतलब इसको क्या हो गया। फिर मैंने अपने घर में एक और फ़ोन था मम्मा का मेरा, मैंने उस फ़ोन में उसका नंबर डाला, व्हाट्सएप पे देखा, मैंने चेक किया कि हाँ उसने मुझे ब्लॉक कर रखा है, डीपी वाकई में हटा रखी है। बट मैंने जैसे ही देखा यार किसी एक दूसरे लड़की की फ़ोटो लगी हुई है। मैंने फिर उसको स्क्रीनशॉट मारा, मैंने कि क्या पता कौन हो क्या नहीं, उससे पूछ लूँगा मैं। फिर मॉर्निंग होती है तो मैं अनब्लॉक रहता हूँ, मैं फिर उसको मैसेज करता हूँ, यार तुमने नाइट में मुझे ब्लॉक करके किसकी डीपी लगा रखी थी। अच्छा, मॉर्निंग में वो तुम्हें अनब्लॉक करके और मतलब डीपी हटा देती है। तो मैंने उसको पूछा, यार देखो पिक देखो यार, ये किस किया तुमने, मुझे ब्लॉक क्यों। मैंने तो ब्लॉक ही नहीं किया, अरे ये मेरे भाई थी यार, ऐसे ही लगा दी मैंने, भाई ये मेरा, ऐसा कुछ नहीं है जो तुम सोच रहे हो। फिर भी अब किसी के मन में थोड़ा बहुत डाउट होता है तो होता ही है, थोड़ा बहुत तो डाउट होता है। फिर मैंने कहा, अच्छा तुम्हारा तो भाई नहीं है यार, तुम मतलब कहाँ से आ गए भाई। हाँ, डेढ़ दो साल से तुम बात कर रहे थे तो पता तो चल ही जाता है कि भाई कितने हैं, बहन कितनी है, में भी सब पता है मुझे कौन क्या है क्या नहीं। सही बात है। हाँ, तो मैं से बोला यार तुमको ट्रस्ट है तो करो, नहीं था मत करो, ठीक है। अच्छा, थोड़ा फीकापन सा हो गया। हाँ, टोन बदल गया उसका, मतलब अलग ही टोन में रहने लगी वो। फिर क्या होता है कि मेरे मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। फिर मैंने उसकी फ्रेंड थी पूजा, मैंने उसको फोन किया, यार पूजा देखो क्या कर रही है मेरे साथ, एक फोटो मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, जरा बताना कौन है, उसकी डीपी लगा रखी थी। यार पूजा देखना कि कौन है, लड़का जानती हो क्या। अरे हाँ ये तो राज है, ये तो उसको वहाँ पे मिला था, मतलब फंक्शन में इन्होंने नंबर एक्सचेंज कर लिया था अपना, है तो डीपी लगा रखी थी मैंने। क्यों यार, एक सेकेंड, डीपी लगा रखी थी मैंने कि क्यों यार, ये क्यों लगा रखी थी। अरे तुम्हें पता नहीं, उसने बंदा बना लिया इसको, मेरा नाम मत लेना, मैं तुम्हें बता रही हूँ, मेरा नाम नहीं आना चाहिए बीच में, ये तो उसका बॉयफ्रेंड है। अच्छा अच्छा, मैं वो सुनते ही मैं एकदम पागल, ऐसा मन कर रहा था कि कुछ कर लूँ, मतलब बहुत ज़्यादा। अब हमारे लिए वो चीज़ें नहीं थी, तो मतलब ऐसा लग रहा था ये झूठ है, ये सच नहीं है, ये सपना है, ये क्या से सपना हो, सही बात है ना। तो मुझे लग रहा था क्या से सपना हो, ये सच ना हो। कभी कभार जब हम बुरे सपने देखते हैं तो हम जब उठते हैं तो हमें लगता है कि यार अच्छा था वो, अच्छा सपना ही सपना था। परंतु यहाँ पर रियलिटी को आदमी ये एज्यूम कर रहा है, काश ये सपना हो, ये रियलिटी ना हो। तो उसके बाद क्या होता है कि मैं बहुत रोने लगा, छत पे गया, छत पे जाके कोने में बैठ के बहुत रोया, बहुत रोया है। अब घर में तो रो, और उस टाइम तुम्हारी एज कितनी थी? उस टाइम शायद मैं 18-19 साल का हूँ। 18-19 साल का जो प्यार होता है वो बहुत ज़्यादा पहला प्यार होता है, और उसमें मतलब इमोशंस बहुत प्योर होते हैं आदमी के, मन भी बहुत साफ होता है, तो इसलिए आदमी बहुत मतलब जैसे बहुत ही दिल से प्यार करता है। तो घर में तो रो नहीं सकता था क्योंकि फैमिली के सामने तो वो तो है नहीं, तो छत पे जाकर रोता था।
फिर मम्मी खाना वगैरह के लिए कहती थी, उनसे उल्टा बोलता था, हर किसी पे गुस्सा आता था, मन नहीं लगता था मेरा, मतलब खुद पे गुस्सा आता था कि जिंदगी खराब हो गई मेरी, मैं कुछ कर लूंगा, मतलब वही डिप्रेशन चीज़ें, में पड़े हैं। डिप्रेशन में जाने लगा था मैं एक तरीके से, बहुत ज़्यादा मैं अपने आप को मतलब एकदम पतला हो गया था, अच्छा, खाना तुम नहीं दोनों खा। वैसे फिजिकल भी हो चुके थे क्या इस बीच में? हाँ फिजिकल हो चुके थे वो तो आज के टाइम में, फिजिकल होने से थोड़ा सा और आदमी क्लोज अटैचमेंट हो जाता अटैचमेंट है। बढ़ जाता है हाँ तो शायद। उन चीज़ों से ना कहीं तक हो जाता, अब पहला प्यार में फिजिकल हो या ना हो, मतलब जब होता है ना तो कुछ नहीं दिखता कि बहुत प्यार। पहला प्यार में भले ही फिजिकल ना हो परंतु वो बहुत मतलब अटैचमेंट बहुत स्ट्रांग होती है उसमें, बॉन्डिंग बहुत हाँ स्ट्रांग होती है दोनों की। बॉन्डिंग बहुत तगड़ी बन जाती है। फिर क्या होता है कि तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है उसने तुम्हें छोड़ा क्यों? मतलब लाइक तुम प्यार इतना करते थे, वो भी तुम्हें करती थी, शायद उसको फिर उसने मतलब छोड़ा क्यों? थोड़ा मतलब ऐसा लड़का चाहिए था जिसके पास अच्छा खासा पैसा हो, या मतलब अलग चीज़ों के लिए वो थोड़ा उसको मतलब कि रिच उसको चाहिए था, सोशल स्टेटस भी सोशल, चाहिए हाँ था उसको जिसके साथ। चाहिए। वो मतलब बाद में पता चला कि वो ऐसी है कि जिसके पास पैसा हो उसी की हो जाएगी, मतलब ऐसे लड़कों को ज़्यादा जो लड़की उसको पसंद। गिफ्ट दे सके, महंगे हाँ पैसे महंगे घुमा ऐसे सके, पैसे ऐसे गिफ्ट वगैरह दे घुमा सके, सके। घुमा सके, गाड़ी वाला हो, तो ऐसे पे ना वो ज़्यादा मरती थी। ये तो मुझे बाद में पता चली, उस टाइम तो मतलब इतना नहीं उसके पता उसके लिए था। प्यार कम थी, वैल्यू प्यार की वैल्यू कम थी हाँ और इन सब चीज़ों की वैल्यू ज़्यादा ज़्यादा थी। था। बट क्या होता है कि फिर उसके बाद मैं डिप्रेशन में जाने लगता हूँ, कुछ अच्छा नहीं लगता, सबसे उल्टा उल्टा बोलता हूँ, कुछ मेरे को बिल्कुल कुछ भी अच्छा तो नहीं तुमने अपने लगता। उस टाइम फैमिली का सहारा नहीं लिया, नहीं मम्मी को या पापा को या ये भाई को? या भाई तो चलो शायद छोटा है नहीं तुम्हारा। नहीं ये चीज़ें फैमिली से खैर कोई भी शेयर नहीं करता है कि मेरे ब्रेकअप हो गया है, मैं ऐसे हाल में हूँ, कोई भी नहीं करेगा। ये अपनी शायद हाँ। पर्सनली बातें हैं तो हम नहीं शेयर कर पाते किसी से। मेरे दिल में मैं घुट रहा था अपने अंदर ही अंदर। फिर क्या होता है कि रो मैं रहे थे रोज हाँ बहुत ज़्यादा रोता था, मतलब शक्ल अंदर। एकदम डार्क सर्कल पड़ गई थी मेरे आंखों के कुछ कुछ नीचे। खाने पीने का मन नहीं करता था, हाँ हर वक्त दिमाग में ये चलता रहता था कि हाँ वो कुछ अच्छा नहीं लग चलता उस लड़के था के साथ क्या उस कर रही दौरान। होगी। मेरा क्या हुआ था, हाँ दिवाली आ रही थी उस टाइम, पापा ने सामान वामान लेने के लिए भेजा था, घर में पर्दे वगैरह लग रहे थे, तो मैं बाइक से आ रहा था, वही सोचता सोचता मेरी मतलब बाइक ठुक गई। ठीक है वही मतलब एक्सीडेंट वो हो गया। मतलब चल रही थी मेरे माइंड में, वो बाइक ठुक गई थी मेरे उस टाइम है, तो ज़्यादा तो नहीं लगी, बच गया था मैं उस टाइम, थोड़ा बहुत पैर हाथ में लगा था। उसी के चक्कर में मतलब सोच रहा था, मैं इतना खोल गया कि मैं भूल गया कि मैं बाइक चला रहा हूँ। तो मतलब ये चीज़ें इतना ज़्यादा माइंड पर हावी हो जाती है कि आप अपने कंट्रोल में नहीं रहते। ये फर्स्ट टाइम होता है वो चीज़, फिर और फिर वो एकदम से दूर हो जाए, डिप्रेशन फिर में बंदा पड़ उसके सकता है। बाद मैं एक इवेंट में जाता हूँ, तो सब अपना एंजॉय करते रहते हैं, मैं एक कोने में एक साइड में बैठा होता हूँ, और मैं सैड सा होके, तो एक वहाँ से एक लड़की मिल रही इवेंट है। मतलब क्या कि मतलब कोई फंक्शन था किसी का अरे मतलब? वो एक हमारा इवेंट हो रहा था आज, वीडियोस का, वीडियोस वगैरह बनाते थे ना हम, तो वहाँ पे इनवाइट किया था तो गया था मैं, तो वहाँ पे एक लड़की आई, कह रही यार सब वीडियोस बना रहे हैं, सब इंजॉय कर रहे हैं, तुम क्यों बैठे वहाँ पे, क्या हुआ है तुम्हें? तो वहाँ पे मतलब चला गया था मैं कि थोड़ा सा माइंड को फ्रेश मिलेगा, बट वहाँ जाके भी मुझे वही सब चीज़ें चल रही थी कि मैं इसलिए कोने में बैठ गया। तो कह रही है बताओ मुझे, बताओ कोई दिक्कत है तुम्हें, कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पे सब इन्जॉय कर रहे हैं, तुम किस लिए बैठे हो? मैंने बोला यार मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट तुम जाओ यार, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। अरे कोई बात नहीं, आप मुझसे शेयर कर सकते हो, हैं आप मुझसे शेयर कर सकते हो, चलो हम वीडियोस बनाते हैं साथ में, उसने ये बोला। उसने में से ये भी बोला मुझे, भीड़ में सबसे अलग तुम चमक रहे थे, मतलब कुछ मेरे लिए बोला दो चार वर्ड। ठीक है तो वीडियोस बनाई, उसने मुझे फॉलो वगैरह कर लिया, इंस्टा फॉलो कर पे। लिया है, तो वहाँ से मैसेज से हमारी बातें होने लगी। तो उसने बोला कि यार अब तुम बता दो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। मैंने कि यार मेरे को ये प्रॉब्लम है, मैं किसी से शेयर नहीं कर सकता, ना अपनी फैमिली से ना किसी से। और उसको सारी बातें बताई, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे सुकून मिला थोड़ा सा उसको शेयर फील करके। बेटर हुआ ना, और इट मतलब मीन्स ये हुआ कि मतलब अगर आपका ब्रेकअप होता है तो आप अपने मन की जो बात दुविधा है, जो दुख है, वो किसी के साथ शेयर करें, उससे दिल आपको हल्का हो सुकून जाता है, मिलेगा, दिल सुकून मिल हल्का हो जाता है। जाएगा। हाँ तो गाइस, पॉइंट टू बी नोटेड कि अपना बाहर जाओ, घूमो फिरो और हाँ मतलब खुद अपना को थोड़ा सा बिजी रखो, और बिजी रखो अपने आप हम को। उसके बारे में सोचो मत ज़्यादा। डिप्रेशन से जब ही निकल पाते हैं, अगर हमें कोई हमारा हमें समझने वाला तुम्हें दोबारा से मिलता है, जो तुम्हें उससे ज़्यादा समझता हो, तभी उससे ज़्यादा डिप्रेशन। केयर करे, तो हम जो हमारी पुरानी चीज़ें रहती हैं वो निकल जाती है हमारी माइंड से। तो वो मतलब हर चीज़ में मेरा ध्यान रखती थी, ये मत करो वो मत करो, पापा ये चीज़ें गलत है वो चीज़ें गलत है, फिर कुछ चीज़ें याद आती है यार, वो उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, मेरे को अब ये देखो ये कितना करती है मेरे मतलब लिए। उससे ज़्यादा कोई केयर करने वाले मिल जाए और तो उससे ज़्यादा कोई मिल जाए हाँ ना। चलो उसको आपको मतलब चलो ये भी एक अच्छा पॉइंट है वैसे, इस बात को थोड़ा सा हम ध्यान में रखना चाहिए। पर हालांकि ये अपने हाथ में नहीं है कि हमें कोई जल्दी मिल जाए कोई,
ये अपने हाथ में नहीं होता, ये तो मतलब टाइम पे छोड़ देना पे होता चाहिए। है, और अपनी किस्मत की बात किस्मत की होती बात है। तो वो मिली तो मतलब एकदम लाइफ एकदम अच्छी हो गई। वो ऐसी थी कि उसको मतलब मेरे मतलब पैसे वगैरह से मेरे किसी से कुछ मतलब नहीं था। जहाँ तक मैं एक टाइम ऐसा था मेरे पे मतलब जेब में पैसे नहीं होते थे, जेब में पैसे नहीं होते थे। वो मेरे को बुलाती थी, मतलब मुझे पैसे देती थी कि यार तुम ये मत करो, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, ये लो तुम ये ले लेना, ये लो नेक्स्ट टाइम ये ले लेना, ये लो तुम ये लेना। मतलब उसने फ़ोन वगैरह भी उसने दिलाया था मेरे को। और मतलब ये था कि बहुत साफ दिल की थी। तो कहीं तक वो जो मुझे जो मतलब छोड़ के गई, तो एक तरह से मुझे मेरे लिए अच्छा ही हुआ कि तो गाइस मुझे मतलब मुझे मुझे उससे बेटर कोई मिला। हर कोई एक जैसा नहीं होता, सबकी सोच सबका सब कुछ अलग अलग होता है। हम किसी को ये नहीं बोल सकते कि सारे बुरे हैं, सारे बुरे, हर हर कोई हर किसी की अपनी अपनी सोच होती है। हर इंसान एक जैसा नहीं हो सकता ना। तो दुनिया में ये नहीं है कि सारे लोग गंदे हैं, सारी लड़कियां ही गंदी है, सारे लड़के ही गंदे हैं। कुछ गलत है अच्छे तो लोग कुछ भी हैं, अच्छे लोग भी अच्छे हैं। लोग भी हैं। बस ये है कि अच्छा, हम पहले सबसे पहले तो खुद अच्छे आपका बने। आपका 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 आप जैसे रहोगे भगवान भी आपके साथ ऐसा ही करेगा। अगर आप खुद अच्छे हो तो आपको लाइफ में अच्छे लोग भी मिलेंगे। आप लोगों की हेल्प करो और खुद एक अच्छे इंसान बनिए तो आपको अच्छे लोग मिलते हैं। दुनिया में अच्छे लोगों की ख़त्म नहीं हुए। चलो तो फिर मतलब ब्रेकअप का तो हमने मतलब मोहित के एक्सपीरियंस से हमने यही मतलब समराइज़ करें तो मतलब ये है कि आप मतलब ब्रेकअप के बाद का जो टाइम पीरियड होता है वो थोड़ा सा कठिन होता है हर किसी के लिए। बहुत ही क्रूशियल टाइम पीरियड होता है उस टाइम। बहुत गलत विचार आते हैं, आदमी डिप्रेशन में तो होता ही है। पर उससे हमें उससे लड़ना है, उसमें से बाहर निकलना है हार नहीं और माननी, हार नहीं माननी है। हमें दुनिया में घूमना है, फिरना है, अपना अपने आप को ये नहीं खुश सोचना रखो। कि अब जो था हो गया, अब आगे कुछ नहीं कर सकते। हाँ ये सोचो कि हम ऐसा कर सकते हैं कि उसको खुद रियलाइज हो कि हम उसने क्या खोया। खुद को इस बिल्कुल तरीके बिल्कुल। से और बना के रखो। एक टाइम के बाद उसने बोला भी था, यार वो लड़का बहुत अच्छा था बट मुझे उस टाइम उसकी कदर नहीं थी, बट मैं उसको बहुत मिस उसको करती हूँ। पछतावा हो कि उसने खोया क्या। पछतावा पछतावा हुआ तो उसको, उसको मतलब तुम्हें डायरेक्ट पता चली है, किसी के थ्रू पता मुझे चली, इसकी जो पूजा नहीं थी जिसने बताया था, जिसने उसको उसने बताया बताया था, था यार मैंने उसको छोड़ के बहुत गलत किया और मोहित तुम्हें कभी का। कांटेक्ट करने की कोशिश की करी उसने? उसने बट मैंने सोचा जो एक बार कर सकता है वो बार बार भी कर सकता है। हाँ, बाद में फिर से भी धोखा दे सकता है, दिल तोड़ सकता है। दैट्स गुड। चलो अब आप मुस्कान, आप भी अब अपना थोड़ा एक्सपीरियंस बताओ कि आपके साथ क्या हुआ था मेरे साथ और आपने कैसे उस पर मतलब कंट्रोल किया और डिप्रेशन से बाहर आई। अच्छा, ऐसे ही मुझे भी प्यार हुआ था स्कूल टाइम पे। प्यार होता रहा मुझे उससे, हम दोनों मिलते रहे मिलते रहे, फिर इतने क्लोज हो गए एक दूसरे के बात 24 घंटे तो मैं उससे बात ही करती थी, रहती थी उसके साथ हर चीज़। फिर एक मोड़ ऐसा आता है, 2-3 साल बीत गए हमारे, एक मोड़ ऐसा आता है कि कोई और लड़की उसके साथ बैठने लगती है, बात करने लगती है, घूमने लगती है उसके साथ। तो मुझे उस चीज़ से थोड़ी चिढ़ होती थी कि लड़की इसके साथ क्यों घूम रही है, और मतलब मैं हूँ तो इसके साथ क्यों घूम रहा आप है। अपने थोड़ी प्यार बहुत को किसी के साथ नहीं देख सकते ना। नहीं देख सकते ना अपने प्यारों किसी और के साथ। और फिर उनकी वीडियोस में दुनिया वाले आके बता रहे हैं कि माही ऐसा मुस्कान ऐसा क्या हो रहा है, ये तो कुछ क्यों नहीं कहती है। अब मैं क्या कहूँ उससे, मतलब लोग भी देखते थे उन लोग दोनों को भी एक देखते साथ। थे उन दोनों को साथ में, तो बातें बनती थी लेकिन मैं बिलीव नहीं करती। मैं कहती नहीं, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। हाँ, तक कि हमारी शादी तक बात पहुँच चुकी थी। अच्छा। हाँ, हम दोनों ने घर पे बात कर ली थी एक दूसरे के लिए। फिर एंड मौके पे वो कहता है मेरे से आके कि मुस्कान मुझे ना मेरी ना शादी हो रही है किसी और से। अच्छा। मैं सोचने पड़ जाती हूँ ये क्या कह रहा है बंदा, जबकि हमारे रिश्ते की बात हो चुकी है घर में, फिर ये हाँ कहता है शादी होने वाली मेरी किसी और से। हाँ तो मैं पागल, मैं कहती हूँ अच्छा, मैंने कहा मैं घर पे जाके बात करूँगी, अच्छा, तुम उसके घर मैं उसके घर जाओगी? जाके बात करूँगी। अच्छा। तो मैं उसके घर गई, उसने घर वालों को समझा दिया था कि ऐसे कुछ बोलना। उसके मम्मी पापा ने बहुत मिसबिहेवियर करा मेरे साथ, बहुत अच्छा गंदा बिहेवियर करा, जो चीज़ शायद कोई लड़की नहीं झेल सकती अच्छा थी। पहले जब जाती थी तो उनके घर पहले तो तो अच्छे से बहुत बिहेव अच्छे बिहेव करती करते थी, थे मेरे साथ। उस टाइम उन्होंने बहुत उसने मिस कान किया भर दिए अपने मम्मी कि पापा के, और हाँ पेरेंट्स जो है बच्चे का ही साथ बच्चे देते के हैं, तो साथ देते हैं, तुम्हारे तो साथ मेरे सही से साथ बिहेव नहीं हाँ किया। मिसबिहेव करने लगे। मैं बहुत घर आकर रोई, बहुत अपने आप को हर्ट करा मैंने। कभी कुछ उस टाइम मैं सुसाइड करने के लिए पहुंच गई, कहाँ पहुंच गई? पहुंच के आ गई, मतलब जैसे कि पंखे में फांसी लगाने के लिए। दिमाग तो अच्छा। उस टाइम था ही नहीं, बस ये लग कंट्रोल रहा में भी था, नहीं रहता ना कंट्रोल में नहीं थी ना दिमाग, उस टाइम पे। समझ नहीं मैं आती इसमें ये हम क्या लगता है कर कि या रहे तो हैं। वो मिल जाए या तो हम अपने आप को ख़त्म कर दें, वो नहीं मिलेगा। ओहो। तो वो डिप्रेशन जो होती है ना, पहली मोहब्बत और मेन चीज और तुम्हें स्कूल, उस टाइम वैसे मतलब ये सोचना चाहिए अपने मम्मी पापा के कुछ बारे में। समझ ही नहीं आता।
माँ बाप मुझसे बात, तब की मेरे मम्मी पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और तो वो आके मुझसे बात करते थे, मैं बात नहीं करती। 15 दिन के लिए मैं ऐसे डिप्रेशन में पहुंच चुकी थी कि ना मुझे खाना अच्छा लगता था, ना मुझे पीना, ना जैसे कुछ पहनना। मोहित की भी आदत, हाँ, कुछ इस मोहित की टाइप भी से कंडीशन हुई कंडीशन थी। से तो मुझे ना खाना अच्छा लगता था ना पहनना। मैं 15 दिन तक ऐसे पड़ जाती थी कोने में, ओके, ठीक है, सोचती थी कि वो आएगा, आके मुझसे बात करेगा, कुछ अच्छा नहीं लगता था। होपिंग अगेंस्ट होप, हाँ, पॉजिटिव मतलब दिमाग में पॉजिटिव रहता है वाइब कि आते थे मेरे माइंड में कि नहीं वो वो क्या पता मेरे को गलती हो। मुझे फोन करती थी कि बात कर ले मुझसे या कुछ भी, बहुत रिक्वेस्ट करी मैंने उससे। लास्ट में ऐसा हुआ कि वो माना नहीं, वो उस लड़की को लेकर चला गया यहाँ से, अच्छा, वो दोनों भाग गए। भाग गए यहाँ से। अच्छा, इतना प्यार हो गया उसको उस लड़की से हाँ, कि वो भाग ही गया और उसके वो साथ। लड़की के साथ क्यों भागा, क्योंकि लड़की अच्छी फैमिली से थी उस टाइम पे। अच्छा, वो भी अलाउ नहीं कर रहे थे। वो अलाउ, लड़की के माँ बाप अलाउ नहीं कर रहे थे, क्योंकि जो लड़का था ना उसका कोई बैकग्राउंड नहीं था। अच्छा, हाँ, तो उसके, तो वो लड़की लेके उसको भाग गई। हालांकि वो अच्छा लड़की सिर्फ उसका यूज़ कर रही थी, अच्छा सिर्फ कैसे यूज़। यूज़, यूज़ मीन्स क्योंकि उसके तुम तो साथ, बता रही हो लड़की अच्छे घर से थी। लड़की अच्छे घर से थी, लेकिन लड़की को कुछ मिलता नहीं था ना उस टाइम पे। लड़की अच्छा तो अच्छा फैमिली से थी ना, अच्छे हाँ घर से मीन्स होना कि माँ बाप लड़कियों को नहीं देते, हाँ 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 लड़कियों तो को फिर वो रखते उसको हैं, यूज़ कर रही थी, तो वो उसको यूज़ कर रही थी, उसको लत लग चुकी थी। तो अब वो दोनों अलग अलग हो गए हैं क्या? अब वो दोनों अलग अलग हैं। अच्छा, आप दोनों फिर से अलग हैं। अब वो वो दो लड़का महीने तुम्हें फिर बाद ही, से कांटेक्ट हाँ, करता है? कांटेक्ट करता है, वो मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, बात करने की कोशिश करता है, देख के रोकता है, लेकिन मैं नहीं करती उससे बात। क्या फ़ायदा बात करके, जब उस टाइम पे मैं ऐसी हालत पे थी कि मेरा जीना मरना एक ही था। अपने आप को जीता कहता ना, जीते जी भी मर गई थी। हाँ, फिर उस टाइम पे मेरे एक ऐसे बंदे से मतलब बना उसने था। केयर नहीं की तुम्हारी, हाँ, तुम उसके हिसाब से तो मतलब मर जाए तो चलो फर्क नहीं पड़ता फर्क नहीं कुछ, पड़ता। तो एक तरह से फिर आदमी ये सोचता है कि इसका दिल इतना मतलब कठोर है, मतलब ऐसे बंदे के पास फिर से क्यों जाया जाए जिसने मेरी केयर नहीं की और मेरे को ऐसे हाल पे दिल छोड़ करता दिया था कि कि मैं मैं मर चली जाऊं। जाऊं, दिल करता था, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं ना जो माइंड में आ जाती हैं, दोबारा घूम जाती हैं वो बातें। कुछ कुछ मोहित ने भी ऐसे ही बताया कि हाँ, मतलब कि वो डर लगता है कि हमें फिर से हमारा दिल ना टूटे या दिल ना फिर से वही टूटे, कंडीशन ना हो जाए, कंडीशंस ना हो तो जाए। इसलिए आदमी वो प्यार करने से डरता है और फिर वापस मेन उस चीज़ रास्ते ऐसा पे था जाने कि से। कुछ गलतियाँ घर वालों ने भी मेरे कान भर रखे थे उसके खिलाफ बिल्कुल ही, कि वो तो चाहे वो उसने करा देखो, ही नहीं वो हो, तो लेकिन सही उन्होंने करा। देखो, घर वाले चाहेंगे कि अच्छा ही तुम फिर से चाहेंगे उस रास्ते फिलहाल, पे ना जाओ। और अच्छा ही हुआ उन्होंने मेरे साथ ऐसा करा, बहुत अच्छा हुआ। फिर उस टाइम में मुझे एक ऐसा शख्स मिला जो मेरा फ्रेंड भी था, वो मेरे बारे में सब जानता था, और मुझे शुरू से लव करता था, लेकिन मैं नहीं करती थी उससे लव। बाद में वो उसने मुझे समझाया, मेरे साथ सिर्फ फ्रेंडली रहा, मुझे उन सब चीज़ों से निकालने की कोशिश करी, घुमाया, मतलब हर चीज़ भुलाने की कोशिश करी। तो उस चीज़ पे कामयाब भी हुआ बंदा, मैं मतलब फिर जीने सीख गई थी अच्छा, उसके चलते उसके चलते। अगर किसी वो चीज़ आज से है निकलना लड़का, है, लड़का है तुम्हारे साथ हाँ, आज? आज है वो अच्छा मेरे साथ, अच्छा किसी चीज़ से निकलना है ना, तो किसी का सहारा लेना पड़ता है उस चीज़ हाँ से हाँ निकलने के लिए, हाँ और हाँ खासकर डिप्रेशन से निकलने के लिए। हाँ क्योंकि वो चीज़ भुलाने में ना, और मेन चीज़ फर्स्ट प्यार भुलाने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। हालांकि मुझे आती है उसकी याद अब भी, लेकिन मैं उस चीज़ को इग्नोर करती हूँ। हाँ नहीं, देखिए शुरुआत में जब हमारा ब्रेकअप होता है तब हमें ज़्यादा याद आती है, और जैसे जैसे टाइम बीतता चला जाता है, हमारी लाइफ में कोई और आ कोई जाता और है, आ हम और जाता अपनी है। लाइफ में करियर में बिजी हो जाते हैं, तो उसकी याद कम हो जाती है। तो ये एक फेज़ होता है जो थोड़ा सा शुरुआत के दिन निकालने थोड़े मुश्किल होते हैं, परंतु वो फेज़ भी निकल जाता है कैसे भी, उसको निकाल लो बस, तो आगे सब खुशहाली खुशहाली ही खुशहाली है। होता चलो गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, और है। बाय बाय। होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। बाय।